एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा ही है, आज हम बात करेंगे स्नेल्स के ब्रीडिंग और उसके एग्स के हैच कराने के बारे में। तो स्नेल्स के बारे में सबसे खास बात ये होती है कि ये कोई स्पेसिफिक मेल या फीमेल नहीं होते हैं। इसमें आप किसी भी टू और मोर स्नेल्स को एक साथ रखेंगे तो दे डेफिनेटली विल ले एग्स, और वो कुछ इस तरह से एग्स को ले करते हैं कि पानी एक्वेरियम में जितना पानी का लेवल होता है उसके ऊपर जो खाली स्पेस बचता है उस पर वो अपने एग्स को स्टिक कर देते हैं ले जा करके। तो आप किसी भी हाथ से भी निकाल सकते हैं बट उससे वो टूट जाते हैं। तो किसी एजेस ऑब्जेक्ट को लेकर के आप उसको निकाल सकते हैं। मैं एक रेजर ब्लेड यूज़ किया हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं ये एग्स के अंदर में जो पोर्स बने हुए हैं उसी के अंदर बेबीज़ पड़े हुए हैं, जो कि सिर्फ स्नेल के अपर कवर और म्यूकस पड़े हैं जिससे कि वो कुछ टाइम तक न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और एग्स को हैच कराने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उसको आप उस पर छोड़ नहीं सकते एक्वेरियम में, जिससे कि वो ड्राई हो करके कम्प्लीटली ख़राब हो जाते हैं। तो उसको हैच कराने के लिए आप एक कंटेनर ले सकते हैं जिसमें कि आप जिसको एक हैचरी की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप 4-5 टिशू पेपर्स को ले करके देन आप टिशू पेपर को चारों तरफ से उसी में फिट करके आप उसको हल्का हल्का वेट कर सकते हैं। वेट करके तब उसमें आपको एग्स को रखना होगा, ना कि ज़्यादा ड्राई रखना है ना कि बहुत ज़्यादा वाटर ऐड करना है, जिससे कि वो हल्का हल्का डैप वो वेट रहे और एग्स को हल्की हल्की वाटर न्यूट्रिएंट्स सप्लाई होती रहे, जिससे कि वो वाटर न्यूट्रिएंट्स को लेकर के और म्यूकस जो पड़े हुए हैं उसमें एग्स में उससे वो अपने आप को हैच करा सके। तो वाटर जो इसमें आप डालेंगे उसको आप कोशिश करें कि टिश्यू पेपर के चारों तरफ से फैला दें किसी तरह से भी, और टिश्यू पेपर को अपने हाथ से भी डैप कर करके उसको वेट कर दें। तो जैसा कि अभी आप ऊपर से देख सकते हैं टिश्यू पेपर को मैंने चारों तरफ से गीला करके रख दिया। अभी मैं इसमें एक एक करके इसके सारे स्नेल्स को डाल दूँगा और आप इसमें लग 2-3 डेज में आप इसमें वाटर हल्का हल्का ऐड करके इसको हल्का हल्का डैप कर सकते हैं, जिससे कि ये कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाए, जो कि होगा ही होगा। और इसको आपको ऊपर से हल्का सा ओपन भी रखना पड़ेगा जिससे इनको ऑक्सीजन सप्लाई होती रहे। स्नेल के एग्स को हैच होने में लाइक 10-15 डेज लगते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट सेकेंड में जिसमें कि बेबीज़ बाहर आ चुके होंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।